नमस्कार फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं मैं, और ये बहुत ही अच्छा आइडिया है दोस्तों। ये जो जिसके बारे में जिस चीज़ के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं आपसे, इसको भविष्य का बिज़नेस कह सकते हैं। जैसे आज से 20 साल पहले किसी ने सोचा था कि बोतल एक दिन पानी एक दिन बोतलों में बिकेगा, लेकिन आज पानी बोतलों में बिक रहा है। इसी तरह से ये लिक्विड डिटर्जेंट पाउडर हो, लिक्विड वाश सोप हो, मतलब नहाने का साबुन हो लिक्विड, और टॉयलेट क्लीनर, तो इसको कैसे करना है ये एक आज देखिए दोस्तों। विदेशों में, चाहे अमेरिकन कंट्रीज हो या यूरोपियन कंट्रीज हो या ऑस्ट्रेलिया हो, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पर्सन नहाने के लिए लिक्विड सोप का इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड सोप का बॉडी पे स्प्रे किया और नहा लिया, झाग भी बनता है, मजबूती अच्छा रहता है, साबुन से घिसने का झंझट नहीं, क्योंकि टाइम कम होता है लोगों के पास वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ करीब 90% यही चल रहा है। हमारे देश में अभी 70% करीब जो पैसा साबुन था जिससे हम लोग नहाते हैं सोप से, वह चल रहा है, लेकिन धीमे धीमे लोग जागरूक हो रहे हैं। अब हैंड वॉश के रूप में आ गया है, हैंड वॉश, कुछ जो टब में नहाते हैं लड़के लड़कियां जो हैं टब में नहाते हैं, टब के लिए एक अलग से आ गया है लिक्विड वॉश, वो है। इस तरह से तमाम वेरिएंट बन गए हैं, और नहाने के लिए लिक्विड बाथ सोप है, उसमें भी बहुत सारे वेरिएंट, ये इस त्वचा के लिए, ऐसी त्वचा के लिए, वैसी त्वचा के लिए, वगैरह वगैरह तरह तरह के। तो दोस्तों, कोई भी बिज़नेस करें आप, कोई भी धंधा करें, कोई भी काम शुरू करें, उसमें जितने ज़्यादा आप क्रिएटिव होंगे, जितने ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आप कमा सकते हैं। कोई भी बिज़नेस हो, उसमें कोई पैसा लगाने का कोई उचित फॉर्मूला नहीं होता कि इसमें कितना पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। कोई भी काम 50,000 से भी शुरू हो सकता है, भारत में 50,000 या 25,000 से भी शुरू किया जा सकता है, और उसी काम को आप 2-4 करोड़ रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, 10-20 करोड़ से भी शुरू कर सकते हैं। चीज़ सिस्टम होता है, कैसे करना है, क्या करना है, जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे उतना बड़े स्केल पर, बड़े स्तर पर कर सकेंगे। मेरा उद्देश्य है छोटे छोटे लोगों को रोज़गार प्रदान करना, क्योंकि नौकरियाँ छूट रही हैं, नौकरियाँ ख़त्म हो रही हैं, तो कैसे करेंगे। तो इस बिज़नेस में ये सबसे अच्छा फ़ायदा है कि इसको आप कम से कम, अगर चाहें भी तो थोड़े से थोड़े बिज़नेस पैसे में भी 50,000 या 1 लाख रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा मार्जिन है इसमें, आराम से 30 से लेकर 60-70% का मार्जिन होता है। कोई चीज़ अगर 20 रुपये में बन जाती है तो आराम से आप होल सेल में भी 35 रुपये में उसे बेच सकते हैं, और ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते वो 50 रुपये की हो जाती है। इसका जब आप मुझसे बात करेंगे, जब आप हमसे मुझसे कांटेक्ट करेंगे, आप जब इसकी टेक्निकल जानकारी लेंगे, दोस्तों इंटरनेट पे बहुत कुछ है, यूट्यूब पे बहुत लोगों ने जाने क्या क्या डाल रखा है, लेकिन मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत खोजा, बहुत समझा इस चीज़ को। लोगों का उद्देश्य केवल पैसा कमाना होता है यूट्यूब वीडियोज़ बना के, जितना ज़्यादा वॉच टाइम होगा उतना ज़्यादा पैसा आ जाएगा। मेरा उद्देश्य यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं है, आप लोगों की सेवा करना है। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे, आप चार्जेस क्यों करते हो, ये फॉर्मूलाज और ये सब है, वैसा इसके लिए भी मुझे मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मुश्किल से कहाँ कहाँ से खोज के, कंपनियों से खोजे, अपने जो भी जानकारी है वहाँ से उपलब्ध की, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ी उनके ऊपर, तो वो सबसे जानकारी ली, उसके बाद मैं फिर टाइप किया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, तो इस सब में टाइम लगता है। उसके बाद मेरी संस्था भी है, उस संस्था के माध्यम से मैं लोगों को, कुछ गरीब लोगों को निःशुल्क रोज़गार भी प्रदान करता हूँ। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो पैसा आप लोगों से लिया जाता है, एक तरह से सोशल सर्विस के लिए लिया जाता है, क्योंकि मैं ये जो मेरा अपना दैनिक क्रियाएँ हैं, जो डेली का खर्चा है, घर का खर्चा, मैं इससे नहीं चलाता हूँ। तो दोस्तों, इस बिज़नेस में बहुत संभावना है, बहुत सारी संभावना है। इसमें साथ साथ अगर आप बाथ सोप का काम करते हैं तो बाथ सोप के साथ साथ आप लिक्विड डिटर्जेंट का काम भी शुरू कर सकते हैं, इसके साथ साथ टॉयलेट क्लीनर का काम भी शुरू कर सकते हैं, आगे चल के आप चाहें तो शैम्पूज वगैरह का भी काम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग, बिल्कुल अलग सिस्टम बना सकते हैं। आप चाहें तो अगर पर्सनली छोटे स्तर से शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास एक शॉप हो कोई छोटी सी,
तो आप वहाँ पर इसका होलसेल काउंटर बना सकते हैं, रिटेल काउंटर बना सकते हैं, और अपने घर पर या कोई ऐसी जगह एक कमरा हो वहाँ पे आप बना के तैयार कर सकते हैं। बोतलें, तरह तरह की बोतलें हैं, वो हर एक शहर में वो बनाने वाले बैठे हैं जो आपकी डिमांड के अनुसार बोतल बना देंगे। छपाई वाले भी सभी शहरों में बैठे हैं जो छाप के दे देंगे आपको, अपना लेबल बना के दे देंगे। तो इस तरह से बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ किसी बड़ी मशीन की, क्योंकि आप छोटे से शुरू कर रहे हैं तो आपको किसी बड़ी मशीनरी की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अप्रिसिएट करिए, कोई नया अगर आपके अंदर विचार आता है तो बताइएगा। उसमें तो बड़ी मशीनों की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप छोटे स्तर से शुरू करना चाहते हैं, बस आपको कुछ ड्रम है चाहिए, कुछ मिक्स करने वाली चीज़ें चाहिए, फिर बोतलों में भरने के लिए चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो आदमी की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और अगर खुद मेहनत कर सकते हैं तो आपको शायद एक आदमी या फिर बिना आदमी के ही काम चल जाएगा। ये डिपेंड करता है आप कितना लगा रहे हैं और क्या सिस्टम है। दोस्तों आप शुरू करेंगे तो इसमें मैं आपको मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा, बहुत यूनिक फंडे बताऊंगा कि आप कैसे इसको पॉपुलर कर सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं मार्केट में, कैसे आगे निकल सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है और लोगों तक पहुंचने के लिए जब तक लोगों को पता ही नहीं होगा तब तक आपका उत्पाद है ना, आपका कोई भी प्रोडक्शन इतना नहीं चलेगा। तो दोस्तों बंद कर रहा हूँ, अगले वीडियो के साथ जल्दी आऊँ।